बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम पिलिनियर कोवेरिएंट का टॉपिक ही कर रहे थे, तो बुक पर भी इसी तरह की तरतीब है कि दरमियान में कुछ एग्जांपल्स आती हैं और फिर ये टॉपिक कंटिन्यू होता है। तो दरमियान में हमारी एग्जांपल्स थी, कल भी हमने एक एग्जांपल ही कवर की, तो आज हम फिर से इसी को ही स्टार्ट ले रहे हैं। तो फार स्पेस इन्वर्जन आर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें लैम्डा म्यू न्यू के लिए इस तरह का मैट्रिक्स लिया जाता है कि डायगनल में वन वन आते हैं, पहला वन होता है और बाकी जो होते हैं वो माइनस वन तरतीब में आते हैं। तो एस पी मस्ट सेटिस्फाई, अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं, एस पी इनवर्स गैमा न्यू एस पी इज इक्वल टू एंड न्यू म्यू गैमा म्यू, पुट न्यू म्यू इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन वन, वी गेट न्यू और म्यू दोनों इंडिसेस हैं, तो इक्वेशन वन इसे हम कह चुके हैं, इसमें ज़ीरो पुट करें तो एस पी इनवर्स गैमा नाट एस पी एंड ज़ीरो ज़ीरो गैमा ज़ीरो। अगर एंड के ऊपर नीचे इंडिसेस ज़ीरो हो तो आंसर जो है वन मिलता है, तो एस पी इनवर्स गैमा नाट एस पी इज़ इक्वल टू गैमा नाट बनेगा, इसको हम कहेंगे इक्वेशन टू। पुट म्यू न्यू इज़ इक्वल टू के, के इसीलिए पुट किया जाता है जनरलाइज फैक्टर बनाने के लिए, और के की वैल्यू भी वेरी करती है वन टू थ्री तक। तो आप म्यू और न्यू दोनों की जगह के पुट करेंगे तो एंड की भी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन उस तरह ही हैं जैसे क्रॉनिक और डेल्टा की होती हैं, कि अगर इंडेक्सेस सेम हो तो आंसर जो है वो वन मिलता है, लेकिन यहाँ पर एंड की प्रॉपर्टी इस तरह है कि अगर इंडेक्सेस सेम हो तो आंसर जो है वो माइनस वन मिलेगा और के की वैल्यू वेरी करेगी वन टू थ्री तक, तो ये बनेगा माइनस गैमा के, इसको हम कहेंगे क्वेश्चन थ्री। ऑल अदर एंड्स आर ज़ीरो, मतलब इसके अलावा जितने भी आए लाइक वन टू टू वन थ्री वन लाइक कम्बिनेशन में आए तो उनका आंसर जो है वो ज़ीरो बनेगा। फ्राम इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेस, टू और थ्री से हमने ये आइडिया लगाया कि एस पी की वैल्यू है गैमा नाट और एस पी इनवर्स की वैल्यू है गैमा नाट। इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री से कुछ गैस लगाने की कोशिश की गई, हेयर वी चेक इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री की वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि क्या वो गैस हमारा ठीक है कि नहीं, तो एस पी इनवर्स गैमा नाट एस पी की वैल्यू ली गई है। अब गैमा नाट एज इट इज़ रहा, एस पी इनवर्स गैमा नाट, क्योंकि अभी हमने वैल्यू यही लेट की है कि एस पी इनवर्स की वैल्यू भी गैमा नाट है और एस पी की वैल्यू भी गैमा नाट है, तो एस पी इनवर्स की जगह भी गैमा नाट पुट किया और एस पी की जगह भी गैमा नाट। अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ को मिलाकर गैमा नाट का स्क्वायर कह देंगे और गैमा नाट एज इट इज़ गैमा नाट का स्क्वायर आइडेंटिटी की इक्वल होगा इनटू गैमा नाट, तो गैमा नाट आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर आंसर गैमा नाट दे देगा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, हमने यही कहा था इक्वेशन टू के अंदर, ये एस पी इनवर्स गैमा नाट एस पी इक्वल होता है गैमा नाट के, तो उसी को हमने चेक कर लिया लाइक प्रूफ कर लिया। अब अगली लेते हैं गैमा के वाली, तो एस पी इनवर्स गैमा के एस पी इनवर्स की जगह गैमा नाट और एस पी की जगह भी गैमा नाट पुट करेंगे। फर्स्ट गैमा नाट एज इट इज़ है और अगले दोनों जो वैल्यूज़ हैं गैमा के गैमा नाट, इसमें इनको वेरी करेंगे मतलब अल्टर करेंगे चेंज करेंगे तो माइनस गैमा नाट गैमा के आ जाएगा। अब पहली दो क्वांटिटीज़ को मिलाकर ये बन जाएगा माइनस गैमा नाट का होल स्क्वायर इनटू गैमा के, माइनस बाय ले लिया गया और गैमा नाट का स्क्वायर इक्वल होता है आइडेंटिटी, मतलब गैमा नाट का स्क्वायर आइडेंटिटी की इक्वल होता है, पहले भी हमने यही पुट किया गैमा के और ये बन गया माइनस गैमा के और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। इक्वेशन थ्री की राइट हैंड साइड में यही था कि माइनस गैमा के है। इन डायराक पाली रिप्रेजेंटेशन आप गैमा नाट की वैल्यू है वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन, द बिहेवियर ऑफ द फोर कंपोनेंट ऑफ साई अंडर पैरिटी इज देयर फोर एट रेस्ट स्टेट ऑफ इक्वेशन सिक्स इन फ्री पार्टिकल स्पिनर टॉपिक आर देयर फोर आइगन स्टेट ऑफ पैरिटी विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी स्टेट डेट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैव अपोजिट इंट्रेंसिक पैरिटीज़। मतलब जैसे आप यूज़ करेंगे, अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव एनर्जी स्टेट होगी और पॉजिट्रॉन लिया है तो पॉजिटिव एनर्जी स्टेट होगी, उसकी रिस्पेक्ट से इनकी पैरिटीज़ होंगी। वी कैन नाउ चेक द
क्लेम प्रॉपर्टीज ऑफ द बिलिनियर कोवेरियंट्स और मज़ीद एस एल और एस पी की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। अब हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल दिखाया था जिसमें हमने कहा था स्केलर है, एक वेक्टर है, एक सूडो स्केलर है, तो उसके रिस्पेक्ट से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो दो प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस करने के लिए मैंने पुट की हैं और दो एक प्रॉपर्टीज़ हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है स्केलर की। स्केलर क्या चीज़ होती है? तो इसके अंदर हम स्केलर वो क्वांटिटी लेट करेंगे जिसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता अंडर लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट से क्वांटिटीज़ में कोई चेंज ना आए, वैल्यू में कोई चेंज ना आए, वही वैल्यू वापस आए तो उसे हम कहते हैं स्केलर। टेंसर में भी इसी क्वांटिटीज़ को स्केलर कहा जाता है कि वही वैल्यू वापस लौट आए। तो वी नोट डैट साई बार प्राइम इज इक्वल टू साई बार का ट्रांसपोज गामा नॉट, इसको हम कहेंगे इक्वेशन वन। द बिहेवियर ऑफ साई ऑफ एक्स अंडर एनी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय साई प्राइम इज इक्वल टू एस साई। एस पहले भी हम यूज़ करते रहेंगे जो डिपेंड करता होता है एंड पे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन बी। अब हम इक्वेशन बी को पुट करेंगे इक्वेशन ए के अंदर, तो साई बार प्राइम एज इट इज़ रहा, साई प्राइम की जगह वैल्यू पुट हुई एस साई का होल ट्रांसपोज इनटू गामा नॉट। अब इस पे ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे तो साई का ट्रांसपोज एस का ट्रांसपोज इनटू गामा नॉट। अब एस का ट्रांसपोज और गामा नॉट हमारे लास्ट दो वैल्यूज ये इक्वल होती हैं गामा नॉट इनटू एस इनवर्स, या हम इसका प्रूफ कर चुके हैं या नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ आएगा भी सही। तो साई का ट्रांसपोज इक्वल हो गया गामा नॉट इनटू एस इनवर्स। फ्रॉम इक्वेशन ए, ए इक्वेशन के मुताबिक साई का ट्रांसपोज गामा नॉट इक्वल होता है साई बार के, देन अबव रिलेशन बिकम, अब ऊपर वाले रिलेशन में कपूट करें साई ट्रांसपोज गामा नॉट की जगह साई बार, तो ये रिलेशन बन जाएगा साई बार एस इनवर्स। तो आई थिंक सो हम इसी तरह की ही टर्म लेकर चले थे लेकिन कुछ वैल्यू में चेंज आया, लाइक इनवर्सेस में चेंज आया। वी मस्ट देयरफॉर एस्टैब्लिश डैट साई बार एक्स साई एक्स रिमेंस अनइफेक्टेड बाय द स्पेस रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेस रिफ्लेक्शन ये होता है कि इंडिसेस चेंज करें तो भी कोई फर्क ना पड़े, बाय साई प्राइम एक्स प्राइम इक्वल होता है एस पी साई एक्स इज इक्वल टू गैमा का ट्रांसपोज साई एक्स। दिस इज आल्सो इम्प्लाइज साई प्राइम ट्रांसपोज एक्स प्राइम इक्वल टू साई ट्रांसपोज ऑफ एक्स गैमा नॉट ट्रांसपोज इज इक्वल टू साई ट्रांसपोज ऑफ एक्स एज इट इज़, और गैमा नॉट का ट्रांसपोज इक्वल होता है गैमा नॉट के। दिस अंडर स्पेस रिफ्लेक्शन साई प्राइम ऑफ एक्स प्राइम साई प्राइम ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू साई ट्रांसपोज एक्स गामा नॉट गामा नॉट गामा नॉट साई ऑफ एक्स। अब गामा नॉट ये तुम्हारे पास तकरीबन तीन गामा नॉट आ गए, तो एक गामा नॉट का स्क्वायर आइडेंटिटी की इक्वल होता है, और इस तरह साई का ट्रांसपोज इनटू गामा नॉट, तो अभी हमने देखा कि वो साई प्राइम ट्रांसपोज ऑफ एक्स की इक्वल है। इन शॉर्ट के इन वैल्यूज़ को, तीन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करके फंक्शन जब हमारे पास वापस आ जाएगा साई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स। अब देखें ये स्पेस रिफ्लेक्शन थे और ये सिंपल थे, तो ये आंसर सेम ही आया है, साई प्राइम एक्स प्राइम इक्वल हो गया साई ऑफ एक्स साई एक्स की। तो इसका मतलब है कि ये स्पेस रिफ्लेक्शन है, एक मज़ीद उसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी वी कैन राइट बी और सी से साई प्राइम बी और सी। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, सी में ये थी साई प्राइम और बी में हमारे पास ये था साई प्राइम, दोनों ही साई प्राइम वाले थे, तो साई प्राइम। तो यहाँ पर बी और सी को आप ये भी कह सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किया, तो साई बार एस इनवर्स एस इंटू साई, एस इनवर्स की जगह भी गामा नॉट और एस की जगह भी गामा नॉट लगाया। पीछे हमने यही प्रूफ कर लिया था कि जो रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो इक्वल होती हैं सिंपल के। तो अब सेंटर वाले गामा नॉट, इसको हम कह देंगे गामा नॉट का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी की इक्वल पुट हो गया और पीछे आ गया साई बार इनटू साई। हमने कंक्लूड कर दिया कि साई बार साई इज अ लॉरेंट स्केलर है एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो इज़ इक्वल टू साई ट्रांसपोज साई
इज़ नॉट अ स्केलर, ये एक स्केलर नहीं है क्योंकि ये सेम आंसर नहीं देता, बट इज़ अ टाइम लाइक कंपोनेंट ऑफ द फोर वेक्टर्स साई बार गैमा म्यू इंटू साई, इसको हम स्केलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक ये स्केलर हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेक्टर्स को। वेक्टर्स क्या होते हैं? अ फोर वेक्टर इज़ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ फोर ऑब्जेक्ट विच ट्रांसफॉर्म इन द सेम मैनर एज द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स अंडर द लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से वो थोड़ा सा ऑर्डर में चेंज लेकर आते हैं। तो साई बार गैमा म्यू साई गिव अस, ऊपर देखें एल टी, एल टी स्टैंड फॉर लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, साई प्राइम एक्स प्राइम गैमा म्यू साई प्राइम एक्स प्राइम लिखा। अच्छा तो अब हम यूज़ करेंगे ये जो गैमा म्यू था, गैमा म्यू की जगह हमने यूज़ कर दिया आस पास दोनों इन्वर्सेस, मतलब एस इन्वर्स गैमा म्यू एस साई एफ एक्स, और साइड पे देखें तो बी और सी के मुताबिक एस इन्वर्स गैमा म्यू एस इक्वल होते हैं एंड म्यू न्यू गैमा न्यू के, तो एंड म्यू न्यू गैमा न्यू पुट हो गया। अब एंड म्यू न्यू को स्टार्ट पर ले आए हैं और गैमा न्यू जो है वो एज इट इज़ रह गया। अब एंड न्यू म्यू को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पहले तो दोबारा ली है साई बार गैमा म्यू साई इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट शुड चेंज साइन अंडर पैरिटी, पैरिटी में ये वैल्यू चेंज होती है। पैरिटी ऑपरेटर आपने पढ़ा था क्वांटम वन में, तो साई प्राइम गैमा म्यू साई प्राइम इज इक्वल टू साई बार एज इट इज़ एस प्राइम एस गैमा म्यू और साई, और जो एंड न्यू म्यू था उसको वन कंसिडर कर दिया गया। अब साई बार और एस प्राइम की जगह भी गैमा नाट गैमा म्यू और एस की जगह भी गैमा नाट जैसे पीछे गैस लगाया गया था वो वैल्यूज पुट कर दी गई। अब बात रहेगी म्यू की, तो म्यू की जगह यूज़ कर दिया गया के, साई बार गैमा नाट गैमा के गैमा नाट साई। अब गैमा के को स्टार्ट पे ले लिया और गैमा नाट दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो ये गैमा नाट इंटू गैमा नाट बन जाएगा गैमा नाट का स्क्वायर, तो माइनस माइनस आया क्योंकि गैमा नाट और गैमा के का आर्डर हमने तरतीब चेंज की थी आगे पीछे गया था, इसकी वजह से माइनस साइन आएगा। माइनस को स्टार्ट पे ले लेंगे तो माइनस साई बार गैमा के इंटू साई आ गया, क्योंकि गैमा नाट का स्क्वायर जो होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, जो टेबल बनाया था उसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमने यही लिखा था कि फोर ऑब्जेक्ट्स का सेट होता है, क्योंकि साई बार साई तो आ रहे हैं ना, ये भी फंक्शन कंसिडर होते हैं और के की वैल्यूज होते हैं वन टू थ्री तक होती हैं, तो ये ऑर्डर सेट होते हैं फोर ऑब्जेक्ट का और ट्रांसफॉर्म होता है सेम मैनर के साथ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स में अंडर लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ऑलमोस्ट आंसर इनका सेम ही आया है, सिर्फ फ़र्क इसका आया है माइनस साइन का, अरे लेफ्ट और राइट तकरीबन सेम ही है, वो एक तो है ना अनट्रांसफॉर्म्ड या रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट और दूसरा सिंपल है। मज़ीद इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।